नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं विक्रांत। आज फिर एक नई कहानी से शुरुआत करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिनों बिहार में अपराधियों के डर से बिहार थर्रा उठा है। अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में 12 दिन में 16 हत्याएं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या बिहार में फिर से वही जंगल आ जा गया जो जिस समय लालू प्रसाद यादव के समय था, और लोग कहने से बाज भी नहीं आ रहे। क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए, लगातार राजधानी में हत्याएं घटनाएं बढ़ते जा रही है। 12 दिन में 16 हत्याएं कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पे सुशासन की पोल खोल रही है। 12 दिन और 16 हत्याएं की घटना, यह आंकड़ा है राजधानी पटना और उसके आसपास इलाकों में हुई हत्याओं का लेखा जोखा, जो बताता है कि बिहार की राजधानी में तेज तर्रार पुलिस का खौफ किस तरह अपराधियों के बीच खत्म हो चुका है। इस दौरान अपराधी तो नहीं पकड़े गए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पटना पुलिस घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज और गोलियों के खोखे इकट्ठा करने जरूर पहुंच जाती है। जिस तरह सिर्फ अगस्त माह में 12 दिन में 16 हत्याएं की घटना को अंजाम दिया गया, यह कहना गलत नहीं होगा कि पटना पुलिस अब नाम के लिए ही तेज तर्रार रह गई है। जो हत्याएं हुई उनमें ज़्यादातर सबके सामने लोगों के बीच किए गए, यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि भीड़ भाड़ इलाके में भी अपराधी के कितने हौसले बुलंद हैं। खास बात यह है कि हत्या, फायरिंग, लूट और चाकूबाजी करने के बाद एक भी अपराधी घटना के बाद फौरन नहीं पकड़े गए। चाहे बिहटा में 10 अगस्त को बीच बाजार आभूषण कारोबारी की लूटपाट के दौरान हत्या करने की बात हो, या फिर गुरुवार को बेउर में सुबह में टहलने के लिए ट्रांसपोर्टर की गोलियों से छलनी करने की बात हो, अपराधी आराम से बाइक से फरार हो गए और पुलिस मुख्य दर्शक बन देखती रह गई। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार चाहे लाख दावे कर ले और अपने पुलिस अधिकारी के पीठ थपथपा ले कि यहाँ पुलिसिया राज है, लेकिन इससे आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 दिन में 16 हत्याएं कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। बात दीगर है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुँचती है और मामले की छानबीन की। हत्या और गोलीबारी के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने और खोखा चुनने में जुट जाती है। अपराध के बढ़ते ग्राफ का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि महज जुलाई माह में औसतन 2 दिन पर एक हत्या की घटना सामने आती थी। वहीं अगर अगस्त में की बात करें तो सिर्फ 12 दिन में 16 लोगों की हत्या हो चुकी है। औसतन हर दिन एक से ज़्यादा मर्डर, जो साफ बताता है कि पटना पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में किस तरह फेल साबित हो रही है। यह सिर्फ हत्या की घटना है, अगर इसमें लूटपाट की दूसरी घटना को शामिल कर दिया जाए तो आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी सिर्फ ये हत्या का मामला है और हत्या का आंकड़ा बताया गया है। अगर लूट, स्नैचिंग, किडनैपिंग की बात की जाए तो सोचिए कि ये आंकड़ा कितना बढ़ सकता है। हत्या समेत अन्य वारदातों को अंजाम देने के बाद अपराधी के फरार हो जाने से पुलिस की गश्ती पर सवाल उठने लगे हैं। भले ही SSP व अन्य अधिकारी थानेदारों को गश्ती तेज करने का आदेश देते हैं, पर इसका असर नहीं दिखता है। पुलिस की चेकिंग केवल जुर्माना वसूलने के लिए करती है ताकि सरकारी राजस्व में इजाफा हो सके, या एक तरह से कहा जाए कि शराब, जो इन दिनों बिहार में 5 साल से ज़्यादा वक्त हो गए हैं शराबबंदी को लेकर, पुलिस अब जो है शराबबंदी पर ज़्यादा जोर दिए हुए हैं, और एक तरह से देखा जाए इसमें पुलिस वालों को काफ़ी मुनाफा होता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर रोड पर पकड़ा जाता है तो अगर किसी को जानकारी बड़ी अधिकारी को नहीं मिलती है और पेट्रोलिंग पार्टी है तो वही मैनेज हो जाता है। तो आप इससे अनुमान और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस तरह से पटना पुलिस अभी फिलहाल दारू में व्यस्त है। अपराधी को पकड़ नहीं सकती है, लेकिन दारूबाज को पकड़ने में ज़्यादा वो दिमाग और ताकत लगाती है। अब हम अगर आंकड़े की बात कर लें और 12 दिन में 16 हत्याएं, तो इस पर भी थोड़ा गौर कीजिए। 1 अगस्त जानीपुर में बुजुर्ग की हत्या, 2 परसा में आटा चालक की हत्या, 3 बहादुरपुर में हॉस्टल में कुक का कत्ल, यानी 1 अगस्त को 3 लोगों की हत्याएं होती है, जानीपुर, परसा, बहादुरपुर। और अगर यही 2 अगस्त की बात कर ली जाए तो बेउर में गोलीबारी, कदम कुआ में रिक्शा चालक की हत्या, यानी 2 अगस्त में बेउर और कदम कुआ 2 लोगों की हत्या होती है। फिर 5 अगस्त की अगर बात कर लिया जाए तो 5 अगस्त में सिर्फ दानापुर में युवक की हत्या, 6 अगस्त की बात कर ली जाए तो खेमनी चक में मजदूर की हत्या, मनेर में दिव्यांग का हत्या, और 3 बिहटा में दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या।
यानी 6 अगस्त और 1 अगस्त को तीन तीन हत्याएं, 2 अगस्त को 2 हत्याएं, 5 अगस्त को 1 हत्याएं, और अगर हम 7 अगस्त की बात कर लें तो धनरुआ में युवक की हत्या, दहेज के लिए बहादुरपुर में महिला की हत्या, बाढ़ के भदौड़ के बकवा में कुख्यात को 16 गोली मारी गई, हालांकि जान तो बच गई, लेकिन आंकड़ा फिर से मैं बता दूं कि 6 अगस्त और 7 अगस्त वो तीन तीन लोगों की हत्याएं होती हैं, जिसमें एक लोगों की जान भी बच गई है। फिर हम अगर 8 अगस्त की बात करें तो धनरुआ के बांस बीघा में युवक की हत्या, 9 अगस्त को रानी तालाब में पीट पीट कर अधेड़ को मार डाला, 10 अगस्त को मोकामा के मराची में जीविका दीदी को घर में घुसकर जिंदा जलाया, बिहटा में लूटपाट के दौरान आभूषण कारोबारी की गोली मारकर हत्या, 11 अगस्त की बात कर लें तो मोकामा के कसादियारा में एक की हत्या, सालिमपुर के सम्मतपुर में किसान की हत्या। फिर अगर बात कर ले कल तक यानी 12 अगस्त तक, तो 12 अगस्त में बेउर में ट्रांसपोर्टर की हत्या। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महज 12 दिन में 16 हत्या, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पटना पुलिस कितनी तेज और तर्रार है। सिर्फ वो शराब पकड़ेगी, दारू पकड़ेगी, बिना हेलमेट वाले को रोकेगी, लेकिन आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि पुलिस इतने व्यस्त हैं कि सिर्फ शराब तो शराब और कुछ नहीं। तो फिर नई कहानी से कल रूबरू होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।